तो हाँ दर्शकों, आपका स्वागत है मोहित गौड़ के साथ में सुपर संडे। मैंने कहा कि आप सबका स्वागत है मोहित गौड़ के साथ में सुपर संडे विद मोहित गौड़ में। तो आ जाओ सबके सब लाइव आ जाओ, अपन मस्त बातें शाते करेंगे और संडे को सुपर संडे मना के रहेंगे जी। तो शुरू हो जाते हैं, आ जाओ सब लाइव आ जाओ, सबके कमेंट्स आ जाओ, तुम सब आ जाओ, मैं वेट कर रहा हूँ। और मेरी स्क्रीन दिखा रही है योर कनेक्शन इज वेरी वीक। अब वीक क्यों है जी? बाजू वाले कमरे में मेरे जो दोस्त है ना, हरकोपल त्रिवेदी आकाश भवे। तो हाँ, फिर से मैं आ गया हूँ सुपर संडे विद मोहित गौड़ में। थोड़ी सी कनेक्शन की प्रॉब्लम है क्योंकि बाजू वाले कमरे में ना मेरे दोस्त आईपीएल देख रहे हैं। पता नहीं तुम भी आईपीएल देख रहे हो, देख रहे हो? अगर देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। और अच्छी बात यह भी है कि तुम अगर आईपीएल देख रहे हो तो ये लाइव चैट नहीं देख रहे हो, ये श्योर बात है। और ये मैं जानता हूं, देखो कितना अंतर्यामी हूं। और हाय आना शुरू हो गया है, आज के पहले हाय का अवार्ड जाता है जितेंद्र सिन्हा को। तो हाय जितेंद्र, तुम्हें मेरा पहला हाय, तुम्हारे हाय को मेरा पहला हाय। हाय पूजा गोपलानी, हाय श्रेया चौधरी, हाय प्रव्यान शांडिल्य, हाय कुणाल, हाय कार्तिक, हाय धर्मेश सिंघी, कैसे हो तुम सब? आप आ जाओ यार लाइव, थोड़ी देर आईपीएल मैच को भी पॉज दो जी, यहाँ पर आओ जी, यहाँ पर सारा टेंशन दो जी, बात करनी है तुम सबसे बहुत सारी। मैं वेट कर रहा हूँ तुम सबका, वेट कर रहा हूँ। आ जाओ जी। धीरे धीरे कर सब लाइव आ रहे हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है तुम सबसे वापस बात करके। और अपना यार हर संडे को मनता है, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। अच्छा अभी मैं तुम सबको बता दूं कि मैं कहां पर हूं। अभी मैं अपने कमरे में हूं, पर अभी जो कमरा है ना वो थोड़ा कमरे जैसा कम और स्टडी रूम ज्यादा हो गया है। क्यों? इस इंसान की वजह से। ये जो तुम्हें दिख रहा है इस कोने में छुपा हुआ, अपने मुंह में पेन लेता हुआ, ये है हमारे अर्चित भैया। इनके बारे में बहुत सुना होगा, इनके बारे में बहुत दंत कथाएं सुनी होगी। आज मैं तुम्हें इनकी सच्चाई बताऊंगा, और वो सच्चाई ये है कि नहीं बताऊंगा, कुछ नहीं बताऊंगा, नहीं तो मैं ही बाद में पिटने वाला हूँ लाइव चैट के बारे में। तुमको बता रहा हूँ, मैं कुछ नहीं बताने वाला। अर्चित भैया बहुत प्यारे इंसान है और पढ़ाई कर रहे हैं जेट एयरवेज में, मेरे भैया पायलट है, मेरे भैया मेरे बड़े भैया वो पीछे से कह रहा मार खाएगा बेटा तू। तो अच्छे ठीक है, मार भी खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, पर लाइव चैट होने के बाद में, ये उनका प्रॉमिस है। लाइव चैट के बाद में जो भी कांड होने हैं वो लाइव चैट के बाद में होंगे, तब तक अपन आराम से बातें करेंगे, टेंशन ना लो, तुम्हारा मोहित तब तक जिंदा है, यहीं पर है। और सबसे मस्त अमेजिंग बात ये हो रही है कि थोड़ा स्मेल करो, डू यू स्मेल समथिंग कुकिंग? अच्छा तुम्हें स्मेल आ रही हो नहीं आ रही हो? मुझे जरूर आ रही है। किसकी? जी बगल में पाव भाजी बन रही है, हमारी बहुत ही प्यारी सी दोस्त है और वो हमारे लिए पाव भाजी बना रही है, तो पाव भाजी खाएंगे जी आज मजे से लाइव चैट के बाद में। लाइव चैट के दौरान भी खा सकते हैं, पर मैं तुम सबको ये ना जेलस फील नहीं कराना चाहता हूँ कि मैं पाव भाजी खा रहा हूँ और तुम वहां पर बस मुझे पाव भाजी खाते हुए देख रहे हो, इसलिए मैं नहीं खाऊंगा, टेंशन ना लो, बिल्कुल टेंशन ना लो। तो जी आ जाओ लाइव चैट में, सब गैदर हो रहे हैं धीरे धीरे करके और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। तुम सबके कमेंट्स मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ प्रॉब्लम है, जो भी है छोड़ो जाने दो। आज ना मैं तुम्हें बहुत कुछ बताने वाला हूं, और जिसका था हमें इंतजार वो घड़ी आ गई मेरे पास। नहीं मैं नहीं खा रहा हूँ, अर्चित भैया खा रहे हैं। अर्चित भैया ले जाओ, आपकी है, मैं कुछ इसको हाथ नहीं लगा सकता हूँ। दिख रहे हो क्या तुम्हें पाव भाजी दिख रही है? ये घर की बनी हुई पाव भाजी है और ये बहुत ही ज्यादा अच्छी स्मेल कर रही है। क्या कहूँ अब मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अर्चित भैया प्लीज ले लीजिए। और अर्चित भैया चले गए बड़ी गुस्से वाली नजरों से मुझे देखकर। ऐसे देखता हूँ लाइव चैट के बाद में, कोई दिक्कत नहीं, लाइव चैट तक तुम्हारा मोहित यहीं पर है तुमसे बातें करता हुआ। और मोहित क्या करेगा? और मोहित तुम्हारे लिए गाने गाएगा, और मोहित तुम्हें स्टोरी सुनाएगा, और मोहित तुम्हें कहेगा कि कमेंट करो, मुझे तुम्हारे कमेंट्स दिख क्यों नहीं रहे, मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे कमेंट्स कहां पर गए हैं, फेसबुक ये क्या कर रहे हो, मेरे लोगों के कमेंट्स मुझे देखने हैं, कहां पर हैं जी, दिखा दो जी, मैं भी वेट कर रहा हूं जी उनकी बातें सुनने का, सिर्फ मैं थोड़ा बोलता जाऊंगा। तो फेसबुक जी बहुत ही परेशान कर रहे हैं फिलहाल, फेसबुक जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। खैर क्या होगा, कौन सा वो मुझे देख रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं, अगर तुम मुझे देख रहे हो, भले तुम्हारे कमेंट्स मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ जो भी प्रॉब्लम जिस वजह से, पर तुम मुझे देख रहे हो यही मेरे लिए काफी है। और तुम्हारा मोहित तुम्हारे लिए कुछ तो भी करेगा, क्या करेगा,
गाना सुनाएगा, गाना कौन सा सुनाएगा? गाना सुनाऊंगा मैं, अरे अभी इन दिनों वो गाना बड़ा फाड़ू है यार, वो बोल दो ना जरा, दिल में जो है छिपा मैं किसी से कहूंगा नहीं। बोल दो ना जरा, दिल में जो है छिपा मैं किसी से कहूंगा नहीं। इतनी मोहब्बत करो ना, मैं डूब ना जाऊं कहीं। अरे यार ऐसा करके वो गाना है, मैंने सुना इन दिनों और मुझे बहुत बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है वो सॉन्ग। अभी यार ज्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा है सॉन्ग को सुनने का, एंजॉय करने का, क्योंकि अभी ना अपनी शूट चल रही है श्कंद प्लग की चैनल वी पे, जो अपना शो आता है 7:30 PM ऑनवर्ड्स मंडे टू फ्राइडे। तुम सब शो के बारे में जानते हो, तुम सब मैंडी को तो जानते ही हो, मैंडी को दो चीजों से फर्क नहीं पड़ता। अरे आज का डायलॉग तो सुनाओ, मैं तुम्हें आज का डायलॉग क्या बोला मैंने तो, हाँ आज का बोला, अंतरा मैंडी को ना दो चीजों से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। एक क्या था, रुको रुको याद करने दो, मैंने बनाया था ऑन स्पॉट, ठीक है ना। एक कंपटीशन में मिली रैंक्स, हाँ रुको रुको वापस है, टेक टू एक्शन, नहीं इश्कन प्लाक सीन नंबर वन, टेक टू एक्शन। अंदरा मैंडी को ना दो चीजों से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है, एक कंपटीशन में मिले रैंक्स और दूसरा किसी स्ट्रेंजर का बोला थैंक्स। अरे क्या बात है, ये ऑन स्पॉट बनाया था अपन ने डायलॉग, कैसा लगा बताओ जरा, कुछ भी बताओगे मेरे को समझ में नहीं आएगा कि तुम्हारे कमेंट लोड ही नहीं हो रहे, अभी ने मना कर दिया कमेंट लोड करने से। ओ जी क्या बात है जी, कोई दिक्कत नहीं, आज तुम ही मुझे बोलते हुए सुनोगे, बोलते हुए देखोगे, बोलते हुए झेलोगे, पर कोई टेंशन नहीं, अपन हर संडे लाइव चैट करते हैं। तो जिसके भी कमेंट्स आए नहीं है, जिन जिन के कमेंट्स आ चुके हैं वो वापस से मैं नाम रिपीट कर सकता हूं भले ही, धर्मेश सिंघी, कार्तिक चौधरी, कुणाल केडी, प्रभ्यान शांडिल्य, श्रेया चौधरी, पूजा गोपलानी और हमारा फर्स्ट हाई जिनका था जितेंद्र सिन्हा। तो जितेंद्र सिंह आप सबके कमेंट्स लोड हुए अभी तक, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं जी। अच्छा सुनो, अब ना मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, और भूख नहीं भी लग रही थी तो भूख जाग गई है इस पाव भाजी की स्मेल से, और पाव भाजी की स्मेल से ज्यादा मुझे जला रहे हैं मेरे अर्चित भैया पाव भाजी खाते हुए। दिखाऊं? नहीं नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि तुम्हें तो जलन होगी, मुझे भी जलन हो रही है। अब टाइम है IPL देखो या ये वीडियो बार बार देखो, मेरे वीडियोस देखो, कुछ भी देखो, बस देखो और साथ में कुछ भी बढ़िया सा खाओ, क्योंकि तुम्हारा मोहित अभी यहाँ पर एंजॉय करने जा रहा है IPL मैच के साथ में। पाव भाजी बड़ी पसंद है मुझे, बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट संडे फिर से मिलेंगे, आई लव यू ऑल, बाय बाय।